हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैंने ये टॉपिक लिया है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, और वो आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये चेक करने वाले हैं कि उनके जीवन में संबंधित, उनसे संबंधित क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में, और वो आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है, और जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। जो साइन आएंगे यानी कि राशि आएगी वो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ जाके मैसेज करना है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, मैं फुल रीडिंग करती हूँ जो अमाउंट दिख रहा है उसमें, ठीक है, और मैं एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, ठीक है। आपकी फुल जानकारी यानी कि फुल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी आएँ तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ओके। तो मैं सबसे पहले एनर्जीज देख लूँगी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, ओके। वेट अ मिनट गाइस, तो मैं एनर्जी ओरेकल ले लेती हूँ, वेट। देखिए आज मैं हिंदी में भी राशियाँ बताऊँगी क्योंकि मुझे रोज़ कमेंट आते हैं। कोई एक भाई साहब हैं जो कि मुझे रोज़ कहते हैं आप राशियाँ बताओ, लेकिन मैं इंग्लिश में बताती हूँ, हो सकता है उनको शायद समझ नहीं आती है, ठीक है। तो मैं आज हिंदी में भी बताऊँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज, ओके। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपकी बहुत बहुत इसी तरह सेवा करती रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेती आती हूं, ठीक है, लेके आती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी बताइए, यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी बताइए इस वक्त, वो किस एनर्जी में है, चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले द थिंकिंग मैन, ओके, थ्री कार्ड्स, विक्ट्री, ओके, एंड हीलर ऑफ द एजेस, ओके। बॉटम भी मैं दिखा देती हूँ, इन डिसीजन, ओके। आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं ये भी चीज़ आती है। तो एनर्जीज क्या हैं आपके रिलेशनशिप की वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, सबसे पहले आपके पार्टनर इन डिसीजन में है, ठीक है। मेन एनर्जी जो होती है बॉटम ऑफ द डेक, वो मेन एनर्जी आपके पार्टनर की बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, अभी इस एनर्जी में है कि उनको दो रास्ते हैं या दो चॉइसेस उनके पास है, ठीक है। लेकिन बहुत दिनों से, महीनों से, या फिर बहुत बहुत कम वीक से ये इस इन डिसीजन को लेके बैठे हैं, यानी कि कोई इनको डिसीजन लेने में मदद नहीं करा। लेकिन मैं यहाँ पे जो कार्ड आता है इन डिसीजन का, तो आपके पार्टनर जो है कन्फ्यूजन में है कि किसको चुना जाए, दोनों ही इस एक तरह से स्टक बैठे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, एक तरह से जैसे कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया किसी को, कुछ कर नहीं पा रहा, स्टिल स्टैंड है बिल्कुल और कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली स्थिति मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की लग रही है। लेकिन ये ओवरऑल क्या है, ये कार्ड क्या कहता है कि जब आप इनडिसीजन में हैं, जब आप ऐसी स्थिति में हैं, जब आपको कोई डिसीजन करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपका माइंड नहीं चल रहा, तो आप मेडिटेट कीजिए। जब इनडिसीजन में हो तो तब आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े से दिन और लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को पुकारिए, यानी कि आपको जो गाइड करता है, आपके पूर्वज हैं, एंजल्स हैं, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको पुकारिए। जब पुकारने से आपकी मदद करते हैं ये चीज़, ये जो इंसान, ये जो भगवान होते हैं, ये जो एंजल्स होते हैं, वो पुकारने पे आपकी मदद करते हैं। तो आप जब इनडिसीजन में हैं तो आपके पार्टनर को ये है कि आप अपने एंजल्स और या पूर्वजों को पुकारिए, वो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेट के ज़रिए या कोई ना कोई हिंट ज़रूर देंगे अपने डिसीजन के लिए। तो यहाँ पे एक डिसीजन आपके पार्टनर को लेना है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके पास चॉइसेस है डेफिनेटली, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, आपको लेकर भी हो सकती है या फिर अपने करियर वाइज भी हो सकती है। लेकिन इनडिसीजन का जो कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन इससे निकलने की क्षमता आदमी खुद रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान को जो भी डिसीजन लेना है उसमें अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को याद करिए, पुकारिए, तभी आपकी मदद कोई कर सकता है, ठीक है। इन डिसीजन की स्थिति में स्टक रहने से अच्छा है कि आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है। इन डिसीजन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इस स्थिति में। और क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर 46 का कार्ड है, कोई ना कोई मेल जो फ्रेंड है इनका बनने वाला है, जो इनको बहुत कुछ अच्छी मदद करने वाला है, ठीक है। कोई एडवाइस ऐसी देने वाला है, कोई ना कोई मेल फ्रेंड है या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी, मतलब एक एडवाइज़र के रूप में इनकी हेल्प करेगा। हो सकता है कि ये शायद इनके एंजल्स ने भेजा हो, ये जो पार्टनर है या फिर फ्रेंड है या जो भी है इंसान, ये आपको बहुत अच्छी मदद करेगा और इसका फोकस आपको आपको एक तरह से जगाने
की जगाने की तरफ रहेगा, आपका जो आपको जो पाथ नज़र नहीं आ रहा उसको उसकी ओर ध्यान दिलाने को कहेगा। तो डेफिनेटली ये जो थिंकिंग मैन है, आप कुछ नई स्टडी करेंगे, नया कुछ सीखेंगे इनसे, या फिर आप ऐसा अगर ऐसा नहीं है कोई पार्टनर या कोई मेल पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, किसी चीज़ पर फोकस बनाए हुए आपके पार्टनर, और डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि इनको किसी चीज़ को भी करने में अपनी नॉलेज को बढ़ाना, इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, इनका फोकस एक चीज़ पे फिक्स है अभी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, दो बातें हो सकती है इस कार्ड का मतलब, या तो कोई मेल इनको गाइड कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई फ्रॉड है या कुछ, और या फिर ये कुछ नया ऐसी नॉलेज गेन कर रहे हैं जिसपे इनका एक तरफ फोकस बना हुआ है, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास देखिए विक्ट्री का कार्ड है, तो आप जानते हैं विक्ट्री, तो विक्ट्री इनके पाथ पे, यानी कि जो रास्ता इन्होंने अपनाया है, जिसकी गाइडेंस मांग रहे हैं, वो गाइडेंस मान रहे हैं, उस रास्ते पे जाने से इनको सक्सेस मिलेगी। बस थोड़ा इनको ये चाहिए, जो कार्ड होता है इसका मतलब होता है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपने भारी तौर से सारा काम किया है, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना है आपको, ठीक है। जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये चीज़ें वर्क करेगी, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रहिए, अपने आप में हिम्मत ताकत रखिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि जो मैंने किया है, जितना मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है। और हीलर ऑफ द एजेस क्या कहते हैं, अगेन यही बात कहते हैं कि कुछ पास्ट में आप स्टक थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, या चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, तो अब इन चीज़ों से बाहर आके आप मेंटली तौर से सही हैं, आप हेल्थ वाइज सही हैं, आपको फिजिकली बहुत अच्छा लग रहा है, और डेफिनेटली इन चीज़ों को आप हील करके आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी सक्सेस की एक निशानी है। इवन आपकी हेल्थ वगैरह सब बहुत अच्छे होने वाले, हील होने वाले, आप इमोशनली माने ना माने, आप डेफिनेटली आपको जब विक्ट्री आएगी तो हर तरीके से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके पार्टनर की, अगर वो बीमार थे तो बीमारी से उभर आएंगे, और डेफिनेटली इनके हाथ में एक सक्सेस मिलने वाली हो। सक्सेस क्या होती है, ओवरऑल इंसान को एक ऊपर उठाती है, ना तो हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, फिजिकल, या किस तरह भी कह लें, हर तरीके से ये सक्सेस हर क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर हील होने को, और डेफिनेटली ये जो मैं बता रही हूँ 46 नंबर, 28 नंबर, 51 नंबर, 8 आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज मैंने टॉपिक लिया था कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए मैंने इनकी एनर्जी बता दी, बहुत अच्छी एनर्जी, इनडिसीजन में थे अब तक, लेकिन अब कोई इनको या तो गाइड कर रहा है, या फिर कोई ऐसा राह मिल गई है जिसके कारण ये कुछ नई नॉलेज सीख रहे हैं, सक्सेस इनको हाथ लग रही है, और डेफिनेटली ये हील हो रहे हैं सब बातों से, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे जैसे कि मोदी जी के लिए कहा जाता है, वैसे ही मैं आपके पार्टनर के लिए कहूँगी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से कार्ड आते हैं मैं उसी तरह पढ़ती हूँ, ठीक है। शुगर कोटिंग मुझे नहीं आती, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या उनके जीवन में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं क्या नया है, कौन कौन मित्र है जो कि इनकी ज़िंदगी में आया है, क्या इनडिसीजन है, ये सब बातें हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके जीवन में, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि आपके बारे में वो क्या सोचे, आपके कनेक्शन के बारे में क्या एनर्जीज है, ठीक है। इनके जीवन में क्या चल रहा है पहले ये देख लेते हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, क्या चल रहा है, पेज ऑफ वॉन्स। ओके, देखिए इसका बहुत गहरा मतलब होता है, मैं आपकी बताती हूँ अभी, दी हैंगमैन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं, ठीक है, वेट अ मिनट, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके और हमारे पास बॉटम का कार्ड है, देखिए स्ट्रेंथ। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप देखो इस साइन की बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ मुझे फिर से कोई जनाब हैं या फिर भाई साहब हैं जो कि मुझे रोज़ कहते हैं कि आप राशियाँ नहीं बताते, राशियाँ नहीं बताते। यहाँ पे पाइसिस यानी कि मीन राशि है, ठीक है, और स्ट्रेंथ यानी कि लियो राशि, लियो यानी सिंह राशि, ठीक है। मैंने राशियाँ बताई है, जो इम्पॉर्टेंट जो साइन होते हैं, मतलब मेजर आर्काना जो होते हैं उनके स्टार साइन बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कहूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि सारे साइन है, ठीक है, मेष सिंह और धनु राशि, ठीक है। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि कन्या, वृषभ और मकर राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि
लिब्रा यानी तुला राशि, कुंभ राशि और जैमिनी यानी कि मिथुन राशि, ठीक है, ये यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने साइन बताए हैं, आप प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, हिंदी में भी बताएं। लियो और हमारे पास स्पाइसेस बहुत स्ट्रांगली है, यानी कि सिंह राशि और मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज की रीडिंग में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे राशियाँ तो और भी आ जाएगी, मैं जैसे जैसे आएगी बताती जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं उनकी मैं बता रही हूँ कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, गौर से सुनिएगा आप सब लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो पेज ऑफ वॉन्स एक गुड न्यूज़ को बताता है, ये बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी कुछ सीखने का कार्ड होता है। यहाँ पे कुछ कोई नई इंस्टीट्यूट, नया कुछ कोर्स, नयापन इनको कुछ सीखने में आ रहा है, नॉलेज इनकी बढ़ रही है, ठीक है। और इससे इनको कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है, इस ये कार्ड का मतलब कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई मैसेज कॉल या कोई ऐसी मनचाही चीज़ जो कि इनके लिए गुड न्यूज़ बनेगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आ रही है, इनमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ये हील हो रहे हैं हर चीज़ से, ना तो हेल्थ वाइज बल्कि मेंटली और ये फिजिकल भी बहुत स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरक्की की है इनकी हेल्थ ने और इनके इनकी जो पर्सनैलिटी उसने, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगने लगे हैं आपके जो पार्टनर हैं वो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बिल्कुल रेडी खड़े हैं किसी बात के लिए, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो एनर्जी है, आएंगी ज़रूर, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि बहुत क्लियर इनके माइंड सेट है, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी गुड न्यूज़ है या जो भी कोई नया काम इन्होंने शुरू किया है उसमें विक्टोरियस बनने के लिए इनको माइंड में बहुत क्लियरिटी है, ठीक है। अब ये स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ इनमें आ चुकी है, ताकत आ चुकी है, अपने आप को इंट्यूटिव कर रहे हैं, यानी कि जो इनका माइंड सेट यानी कि डिसीजन में थे तो अब इनको स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अपने डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अपने एंजल्स को पुकारते हैं तब वो अपनी आपकी मदद करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर हैं आपके डेफिनेटली अपने एंजल्स को, अपने भगवान को याद करते हैं, तो यस इनकी मदद होने वाली और इनका पाथ बिल्कुल राइट है, जिस पाथ पे जा रहे हैं वो इनको सक्सेस दिलाएगा। अब क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, देखिए यहाँ सबसे पहले तो इनको स्ट्रेंथ आ चुकी है, इनकी हेल्थ वगैरह सही हो चुकी है, तो ये बहुत कुछ नया शुरू करें, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ इनके पास, या कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं अगर बिजनेसमैन में है तो डेफिनेटली कोई नया जॉब, नई गुड न्यूज़ आने वाली। इवन ये इसमें जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ही इमेच्योर है, लेकिन ये सब कुछ अपने तरीके से करेंगे और डेफिनेटली सक्सेस इनको साथ लगेगी। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही मेंटली बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत क्लियर हैं कि इनको कैसे चलना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अब इनमें वो ताकत आ चुकी है कि अपने आप की सफलता ही ला सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं मैं यहाँ पे आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। इनके जीवन में बहुत कुछ नया चल रहा है और ये अवेकनिंग का जो कार्ड होता है ना, ये बताता है कि आज इंसान जो है चेंज हो रहा है। अगर उनकी एनर्जी स्टक थी पहले, जैसे कि इनडिसीजन आया था हमारे पास और यहाँ पे थिंकिंग मैन आया था, तो कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई इनकी हेल्प कर रहा है जिसके कारण ये आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली इंसान जब सही पाथ पे होता है तो तरक्की उसके हाथ लगती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपके इंसान जो है उनके माइंड में क्लियरिटी है कि उनको किस रास्ते पे जाना है और इनडिसीजन में नहीं है, आप कन्फ्यूजन में नहीं है माइंड। और डेफिनेटली एक माइंड सेट जब बन जाता है किसी काम के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं। अब ये स्टक एनर्जी से दूर हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि स्टक करती है, उन चीज़ों को ये कट ऑफ करने वाले मुझे ये लगता है, ठीक है। बीच में नाइट ऑफ पेंटिकल्स और कॉम्बिनेशन कार्ड्स का उसी तरह से पढ़ा जाता है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें अगर स्टक भी है तो उनको ये बिल्कुल गेट आउट करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी क्या चीज़ें हैं आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है, करियर वाइज। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है ना, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, मेरे पास शायद कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले टेन ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, और यहाँ पे है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे लास्ट में टेन ऑफ वॉन्स। ओके, ये जो सारे कार्ड्स थे एकदम से जंप होके आए थे तो मुझे सारे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम का कार्ड मैं बता देती हूँ, टेन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैं जैसा कह रही थी अभी, या तो इनके हेल्थ इश्यूज थी, माइंड प्रेशर में था, फाइनेंस करियर अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इन चीज़ों का कम्प्लीशन होने वाला है बहुत जल्द, इन चीज़ों से आपके पार्टनर बाहर आने वाले। कोई प्रेशर था, किसी से पैसे उधार लिए तो उसका प्रेशर, कोई काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, इस तरह का प्रेशर मैं इन पे देख पा रही हूँ। और इनके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत परेशान कर रहे थे इनको, लेकिन अब ये कम्प्लीशन का कार्ड होता है, टेन टेन की एनर्जी आई है थ्री टाइम्स, ठीक है। बहुत कुछ जब आपको देखिए, आपको 0-0 दिखता है,
000 तो किसी को नहीं दिखता होगा, ये बहुत बहुत मास्टर नंबर होता है, इसका तो मतलब ही बहुत कुछ अलग होता है। लेकिन आपको 111 यानी कि यहाँ पे 111 दिखता है, तो इसका मतलब ही ये है कि आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में जो इशूज़ थे वो नेगलेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, करियर वाइज प्रॉब्लम थी, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी, फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे थे, वो कम्प्लीट होने जा रहा है, कुछ प्रेशर इनकी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 6 of Swords का कार्ड है। अगेन मैं पहले वो राशियाँ बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वृषभ राशि है, टॉरस, ठीक है, एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, ठीक है। इसके अलावा सारी स्टार साइन है, लेकिन एक्वेरियस और टॉरस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीशन होना हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। ये आपके लिए क्या सोचें, आपके कनेक्शन के लिए क्या सोचें, अब इनको आगे बढ़ना है। नई शुरुआत का कार्ड होता है 10 of Swords, ये कुछ कंप्लीशन के बाद यानी कि दुखों के बाद एक नई शुरुआत, ठीक है। अभी दुख किस हर तरीके के लिए अलग अलग होंगे, किसी का फैमिली दुख है, किसी को अपने हेल्थ इश्यूज़ से परेशान है, कोई कैसे परेशान है, कोई अपने करियर से परेशान है, तो इन सब चीज़ों को बाहर जाके ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपसे शादी की सोच रहे हैं, ठीक है। इनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अब तक इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन अब आपसे जब मिलेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक कैसे होगा, हो सकता है कि आप बहुत दूर रहते हैं, इनकी हालत को समझ नहीं पाते और इनके लिए गलत गलत सोच रहे हैं कि क्यों क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्या है, होता है, सब में होता है, लेकिन ये अब आपको क्लियरिटी देने वाले हैं, ये आपसे ये जो दूरियाँ बनी हुई है उसको कम करने वाले हैं, ये आपके कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं, आपसे मिलने की सोच रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो डेफिनेटली ट्रेवल करके आपसे मिलने आने वाले हैं, और ये अब आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इन डिसीजन माइंड से इनका माइंडसेट अलग हो चुका है, ये डिसीजन आपके बारे में लेना चाहते हैं, और 6 of Swords मुझे अगेन आपसे मिलने की एनर्जी लग रही है, ये अपनी आपकी आपके साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, पीसफुल चलना चाहते हैं। आपके साथ जो द्वंद्व चल रहा था यानी कि आपके साथ कहासुनी, जब भी मैसेज आता था तो कुछ ना कुछ कहासुनी हो जाती थी, बहस हो जाती थी, इवन नो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बातचीत होती है आप में लेकिन फिर भी एक मनमुटाव सा चल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है उन चीज़ों से आप बाहर आने वाले हैं। ये जो अपना प्रेशर है या फिर अपने दिमाग पे जो इनका टेंशन भरी हुई है उससे बाहर निकलने आना चाहते हैं और बहुत कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए क्या सोचें, आपके कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा सोचें। इनकी नई शुरुआत एक विक्टोरियस होगी, ठीक है। इन्होंने अपनी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करी है और वो नई शुरुआत इनको विक्ट्री दिलाएगी, और डेफिनेटली ये इन डिसीजन में इसीलिए थे कि आपको अपने जीवन में लाने के लिए इनको विक्टोरियस या सक्सेस पानी थी, और डेफिनेटली उसके दरवाजे इनके लिए खुल चुके हैं। अभी आपके लिए बातें कर रहे हैं यानी कि आपके लिए सोच रहे हैं कि आप इनकी फैमिली में कैसे एंटर होते हो या इनकी फैमिली का एक पार्ट कैसे बनते हो, ठीक है। तो इस तरह की मुझे आज की एनर्जी लग रही है, अगर आपसे मैच करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके पास बहुत जल्दी, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 10 days में आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल या आपकी मीटिंग हो सकती है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, वेट अ मिनट गाइस, ओके, मैं आपके लिए ज़रूर मैसेज लूँगी, आज आपके लिए क्या मैसेज है इनके, ठीक है। चलिए एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं आज पहले, ओके, मैसेज बाद में देखेंगे। आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं कौन है, कहाँ है। सिंगर, सॉन्ग, इनको सॉन्ग सुनना पसंद होगा या फिर सिंगिंग करते होंगे, ठीक है। और हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि आपके इस पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। मेरे पास 2 songs या 3 songs भी आए हैं मेरे पास जंप होके, बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दफा में मैंने तुझको ही मांगा है, बहुत प्यारा सा, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, मैं तो कमली हो गई आज मैनू इश्क होया, दिल है कि मानता नहीं। एट्रीब्यूट्स दे लेते हैं, ये देखिए HHEDI, ये कैंसर वाले साइन है, ठीक है। आपके पार्टनर कैंसर साइन के होने चाहिए, ठीक है, कर्क राशि वाले। योर फ्रेंड, क्लासमेट, लवर, ये हो सकते हैं, ठीक है। ये जिनके बाद एक जंप होके आए, ठीक है। लाइक टू वॉचिंग मूवीज़, ओके, इनको वॉच करना बहुत अच्छा लगता है, मूवीज़ वॉच करना। हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग का कार्ड है हमारे पास और हीलिंग इनकी हो रही है, किसी न किसी तरह, किसी काम से, किसी परेशानी से हील हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉरेन टूर, आप लोगों का फॉरेन टूर हो सकता है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो मिलन हो सकता है आपका। बिग फैमिली चॉइसेस इनके पास हो सकती है, और देखते हैं जो मेरे हाथ आएगा। अगेन ये है EUOVTP, ये वृषभ राशि के साइन है, ओके। चलिए देखते हैं और क्या है। कर्ली हेयर, फेयर कलर, ओके, और देखते हैं
क्रिएटिव वर्क करते हैं, आपके आपके जो पार्टनर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं कि जो कि दिमाग से चलता होगा, ऐसा कोई काम करते हैं, और ये इन्होंने कुछ ना कुछ नया शुरू किया ऐसा में मुझे लग रहा है। ठीक है, राउंड फेस नॉर्मल हाइट, ओके। ये आपके पार्टनर के जो कुछ फीचर्स वगैरह बता रही हूँ, मेडिकल फील्ड हो सकती है इनकी, ठीक है, और है फूड लवर, तो इनको खाना वैरायटी ऑफ फूड अच्छा लगता होगा, ठीक है। और लॉन्ग हेयर शार्प आइज, कोई लड़की है जिसके लॉन्ग हेयर शार्प आइज हो सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए आपसे किस तरह से मिलते हैं, इनोसेंट ट्रू लव, आपका जो प्यार है वो इनोसेंट है, ट्रू है आपका प्यार, फैमिली सपोर्ट चाहिए आपको डेफिनेटली। तो ये थे कुछ एक्टिव रूट्स या फिर आपके रिलेशनशिप में मिलने वाली कुछ चीज़ें। सॉन्ग मैंने बता दिया, अब कुछ मैसेजेस भी लूँगी, मैसेजेस मैं आज ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, दूर उठा तो मैं रो दूंगी सनम, ये सॉन्ग है गाइज, ओके। डिवाइन टाइम, तो कुछ बातें इनको लगता है कि डिवाइन टाइम पे होगी। समाई सुहाना, ये सॉन्ग है गाइज, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा, इसमें जूही चावला है, ठीक है। ट्रू लव, यहाँ पे ट्रू लव है, ठीक है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, ओके, आप इनके हार्ट की चाबी रखते हो। आई नीड यू बाय माई साइड, हमेशा इनको आप इनकी तरफ से आप चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, आपके साथ इनको आशाएं बहुत है कि आपका कनेक्शन वर्क करेगा और आप एक दिन इनके साथ होगे। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया सबसे पहले लाइक कीजिएगा, और लाइक करते हैं तो इसका मतलब आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।